मोदी जी की बेटी का रोल मैंने किया है, मोदी जी का रोल कौन कर रहा है वो आप फिल्म देखिए सर। एक बात मैं हमारी टीम की तरफ से बहुत ही प्राउडली कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की बेटी इज एन आउट एंड आउट आउटसाइडर्स की फिल्म है। इस फिल्म का कास्ट एंड क्रू का हर एक बंदा अपने बल पे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना के यहाँ तक पहुंचा है, और उन सबको जैसे मीडिया ने मुझे इस स्केल पे पहुंचा दिया कि आज मोदी जी की बेटी वो कंट्रोवर्सी में एक फिल्म बन चुकी है, तो इस फिल्म को आपको उस स्केल पे पहुंचाना है कि जब कोई बहुत बड़ी फिल्म बनी होगी उसके साथ हमारी फिल्म उतनी ही कैपेसिटी में रिलीज हो रही है, उतनी कैपेसिटी में ऑडियंस उसको देख रही है। ये काम भी मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले हमें सपोर्ट करें, बिकॉज इट इज अ हाई टाइम कि हम आउटसाइडर की फिल्मों की आवाज बने, हम आउटसाइडर की फिल्मों को रिप्रेजेंट करें और आउटसाइडर यानी कि जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है उनको बूस्ट करें, ताकि आने वाले पीढ़ी आने वाली जनरेशन में कोई एक एडी सिंह, कोई एक अवनी मोदी, कोई एक विक्रम पितोबास जो भी है, वो सारे लोग अपने सपनों को ना कॉम्प्रोमाइज ना करें, वो डरे नहीं ये सोच के कि अगर स्टूडियो पैक नहीं करेगा हमारी फिल्म को तो हम फिल्म नहीं बना पाएंगे, अगर स्टूडियो या बड़ा फेस नहीं है हमारी फिल्म में तो हमारी फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। अगर मोदी जी की बेटी सक्सेसफुल होती है तो देश की हर बेटियों को अपने सपने पूरे करने की उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और उनके सपने पूरे होते हैं। और जिस स्केल पे ब्रह्मास्त्र प्रमोट हो रही है, हम तो उनके आगे बहुत छोटे फिल्म मेकर्स हैं और हमारी फिल्म बहुत छोटी है, तो हमारी फिल्म का एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, गुड कॉन्टेंट, और गुड कंटेंट ही ऑडियंस को थिएटर तक लेके आती है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी बड़ी फिल्में आई है इसी साल जो नहीं चली है अनफॉर्चुनेटली, यू नो, बड़े स्टार्स के होने के बावजूद, और कुछ छोटी फिल्में कश्मीर फाइल जैसी और छोटी फिल्में भी रही है जो कि बहुत बड़ी हिट हुई है, वो भी छोटी फिल्में थी। सो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन ऑडियंस। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, ओटीटी के आने के बाद स्पेशली वो वर्ल्ड सिनेमा के साथ उनका एक्सपोजर बढ़ चुका है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी है। एक छोटा सा एडिशन, एक हिंट है, ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं, इसमें हीरो हीरोइन वाला मामला नहीं, ये मैं थोड़ा सा ये आपको रिवील कर रहा हूँ ये चीज, लेकिन अब उस चीज के अलावा क्या हो सकता है उसकी लिमिटेशंस बहुत, बॉलीवुड में तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से बहुत संकीर्ण मामला हो जाता है, क्योंकि बिना हीरो हीरोइन के, बिना लव स्टोरी के बहुत ही कम फिल्म आती है बाहर। सो ये उनमें से एक फिल्म है जो एक्चुअली बहुत कंटेंट ड्रिवन है, बहुत क्रिएटिव है, कई लोगों को हमारे अंदर का टैलेंट नहीं पता होता, तो इन्होंने जब ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया था, आई वॉज कन्विंस्ड दिस इज द सब्जेक्ट फॉर विच आई शुड डू माई डेब्यू, एंड दिस वॉज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू वर्क ऑन, दैट्स एन ऑनर फॉर मी। सो जब एक्सपेरिमेंट की जो इन्होंने बात की, तो वो इन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया, तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि अभी तुमको ही ये लिखना चाहिए, और हमने कई राइटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उस पर पैसा भी बहुत खर्च हुआ। 200-400 लोगों को छोड़ के बाकी से बच्चे ही होते होंगे, वहां की जो आम जनता है वो तो नहीं लड़ाई करना चाहती है। जो फौजी है, मैं इसमें एक फौजी का किरदार कर रहा हूँ, उमर, वो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है, और वो पाकिस्तान, सही पाकिस्तान जो होता है वो इंडियन फिल्मों में रिप्रेजेंट नहीं होता। तो आप ये समझिए कि ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा जो नेबर है, जिसके साथ हमारा संबंध छोटे भाई जैसा, बड़े भाई छोटे भाई होते हैं ना, हमारा तो वैसा संबंध है उनके साथ, किसी बात पे थोड़ी अनबन हो गई है, और वो अनबन अब बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो लोगों के उसके बीच में आ गए हैं, कश्मीर जो समस्या है। अब हम लोग अपनी फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि डू वी एक्चुअली नीड द बॉर्डर, बॉर्डर से किसको एक्चुअली किसको फायदा होता है, बॉर्डर से सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है, मेरे हिसाब से बॉर्डर का फायदा और किसी को नहीं होता। यही दोनों गरीब कंट्रीज हैं, दोनों अपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूखे मरते हैं, पढ़ाई नहीं मिलती है बच्चों को, हम लोग अपनी छोटी बच्चियों को पढ़ाएं, अपने यहाँ पर लोगों को खाना खिलाएं, बजाय कि हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करें। तो पाकिस्तान का सही रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी था। जो विक्रम और पितो अपने साइड की स्टोरी बताएंगे, क्योंकि दे आर प्लेइंग फ्लॉप, वो होते ना टेररिस्ट, वो फ्लॉप टेररिस्ट हैं, वो वनबी भी नहीं कहेंगे, वो है टेररिस्ट ग्रुप में, लेकिन वह बर्तन घिसने का काम कर रहे हैं 10 साल से, उनकी यही औकात है, वो दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ्स। और मैं एक बहुत डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हूं, मेरा काम है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, मुझे लाया ही इसलिए गया इन द फिल्म, स्टोरी की बताऊं तो कि भाई पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है दुनिया में, तो जाओ ठीक करो उस इमेज को। तो आई होप कि पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी, और ये फिल्म जितनी बड़ी हिट इंडिया में होगी उससे 4 गुनी बड़ी हिट पाकिस्तान में भी होगी। No, I let me correct you. He's doing very well.
like a correct. I'm sure it will do well. That's what my feeling is. What is the strategy for promotion of the... That, I think Mr. Pandex people, they'll tell you better way. And they are trying their best to do promote it in a very nice manner. पूरा आदमी है या अच्छा आदमी है, रोल मिलेगा, रोल अच्छा है तो हम करेंगे, वो लंदन का भी मिलेगा तो हम करेंगे। 10 और 24 अक्टूबर।